जिंदगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलब ही है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है, एक डर, ज़रूरत और इंसानियत। ये तीन चीज़ ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है। ज़रूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए, और इंसानियत तो बहुत है भाई। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है? इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है। और इस दुनिया में ना, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे, लेकिन ये जुबान जो है आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपकी आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बावजूद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार के जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता, तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं? आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए, और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए।